हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुराने ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुराना ब्लाउज लिया है, तो पहले हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट के लिए हम यहाँ से एक आर्महोल से लेके दूसरा आर्महोल तक हम नाप लेंगे इसका। तो यहाँ पर हम इस तरह से मेजरमेंट रखेंगे और इसे थोड़ा सा हम थोड़ा खींच के लेंगे। ये देखिए इस तरह से आता है 18 इंच, इसका डबल हुआ 36 इंच। तो यहाँ पे ये 36 इंच आया। 36 इंच का हम 1/4 लेके उसमें सिलाई मार्जिन के लिए 2+ करेंगे। अब हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ के लिए हम बैक साइड से इसका फुल लेंथ का नाप निकालेंगे। तो ये जो शोल्डर है, शोल्डर से हम इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा खींच के लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से आता है 14.5 इंच। तो ये फुल लेंथ में हम 14.5 जो इंच है इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब हम आर्महोल देखेंगे। आर्महोल के लिए हम यहाँ से शोल्डर से लेंगे। जो ये शोल्डर जॉइंट है यहाँ से हम इस तरह से लेंगे। इसका आर्महोल है 6 इंच, इस तरह से 6 इंच आर्महोल है। फ्रंट का नेक है, फ्रंट के नेक के लिए भी हम इस तरह से जहाँ से शोल्डर जॉइंट है वहाँ से लेंगे। तो ये आता है 5.5 इंच, जो फ्रंट का नेक है 5.5 इंच। यहाँ से इसका कमर का नाप देखेंगे हम। कमर का नाप है 14.5 इंच, तो इसका डबल हुआ 29 इंच। कमर है 29 इंच। स्लीव के लिए हम ये जो शोल्डर जॉइंट है यहाँ से लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से जहाँ से शोल्डर जॉइंट है तो यहाँ से इस तरह से हम मेजरमेंट को लेंगे। ये आता है 5.5 इंच और इसकी मोहरी है 5.5 इंच। और जो बैक का नेक है यहाँ तक ये 9 इंच और इसका शोल्डर देखेंगे हम। शोल्डर हम इस तरह से लेंगे। ये देखिए 12 इंच, तो इसका आप हुआ 6 इंच। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। ब्लाउज पीस के लिए हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ से हम इसे पहले ये जो साइड है इसे हम सीधा कट कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी पार्ट कट करेंगे वो सीधा कट हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो पहले हम इसे सीधा कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे दोनों साइड से सीधा कट कर लिया। अब हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो जो बैक पार्ट के लिए ये बंद साइड है और यहाँ से ये ओपन साइड है। तो जो बंद साइड है यहाँ से हम बैक पार्ट लेंगे। तो जो हमारी फुल लेंथ है 14.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे। डीप नेक के 9 इंच, इसलिए हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर है 6 इंच, 6 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। और जो बैक नेक है 9 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 9.5 इंच, 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इसे हम इस तरह से सीधी लाइन देंगे। अगर आपको डिज़ाइन बनाना हो बैक नेक की, तो आप इसे सीधा कट करेंगे, यहाँ से नहीं। इस तरह से हम इसको बॉक्स बनाएंगे। आर्महोल है 6 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच मिलेंगे, 6.5 इंच पे इसे सीधी लाइन देंगे।
इस तरह से। और यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर डाउन के लिए तिरछी लाइन देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेंगे, चेस्ट है 36 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम। यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, 36 इंच का जो 36 इंच है उसका 1/4 है 9 इंच, और उसमें 2 इंच मिलाएंगे 11 इंच। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब ये तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे बैक का आर्म मोड़ लेंगे और इसे हम इस तरह से शेप देंगे। अब हम यहाँ से जितना लिया है 11 इंच, तो आधा इंच हम कम लेंगे, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बाद में हम सिलते वक्त वेस्ट का 1/4 लेके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये बैक का टक्स रहेगा, 3.5 इंच या 4 इंच भी हो सकता है। ऊपर की ओर हम 4 इंच लेंगे और साइड में हम 1/2 इंच पे बैक टक्स लगाएंगे। इस तरह से निशान। अब इसे हम कट करेंगे। नेक साइड पे मैं इसे कट लगाऊंगी इस तरह से। और जो हमारा सिलाई मार्जिन है यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। इस तरह से अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम पेपर, पहले पेपर की कटिंग करेंगे। तो मैंने पेपर लिया है, इसी साइज का लिया है। बैक पार्ट को हम पेपर पर रखेंगे और इसे हम ड्रॉ करेंगे। यहां से हम फ्रंट का नेक लेंगे जो 2.25 इंच पे हमने ये निशान लगा। तो यहाँ से हम फ्रंट का नेक है 5.5 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच मिलेंगे, 6 इंच पे निशान लगा के इसका बॉक्स बनेंगे। यहाँ से हम इस तरह से इसको तिरछे लाइन देंगे। अब हम यहाँ से जो हमने 6 इंच में 1/2 इंच मिलाया था, 6.5 इंच पे निशान लगाया था, अब हम 1/2 इंच छोड़ के 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे सीधी लाइन देंगे यहाँ से। अब हम इसका सेंटर लेंगे, 6 इंच का सेंटर है, 3 इंच थोड़ा बाहर की ओर हम 1/2 इंच लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरह से बाहर से थोड़ा सा शेप देंगे। इसका हम बॉक्स बनाएंगे सीधा और इससे भी हम गोले का शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो।
अब हम यहाँ से योग पट्टी लेंगे। योग पट्टी हम ये ज़्यादा लेंथ है इसके लिए हम 3.5 इंच भी निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे और इसे हम इस तरह शेप देंगे। यहाँ से हम योग पट्टी से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर से हम 5 इंच भी निशान लगाएंगे या फिर इधर से भी 1 इंच ले सकते हैं। इसे 5 इंच भी निशान आया। अब हम यहाँ से फ्रंट आर्म होल से ढाई इंच भी निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से अब इसे हम कट करेंगे। और जो कटोरी इसे हम दूसरे पेज पे बढ़ाएंगे। ये हमने दूसरा पेपर लिया है उस पर हमने ये जो पहली वाली कटोरी इस तरह से रखनी है। नीचे हम 1.5 इंच का इस तरह से स्पेस लेंगे। तो ये 1.5 इंच पे हमने सीधी लाइन लगाई पहले। अब इसे जैसे वैसे हम ड्रॉ करेंगे। तरह से अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। छः इंच का है 3 इंच इसे हम सीधी लाइन देंगे इस तरह से। अब हम इसके साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके भी साइड से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे और इसे से मिलाएंगे। इसके ऊपर हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से भी हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे। अब इसे और इसे हम मिलाएंगे जो 1/2 इंच हमने ऊपर लिया था। और इसे भी हम मिलाएंगे इस तरह से। अब इसे हम कट कर लेंगे। अभी हमारी जो बड़ा कटोरी है और ये जो फ्रंट का पार्ट है तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे
और कटोरी के भी हम इस तरह से रखेंगे। ये कटोरी की एक साइड है, सीधी आनी चाहिए इस तरह से, इस तरह से सीधे आनी चाहिए। देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और ये क्रॉस पट्टी हमारी यहाँ पे आएगी। अब इसे हम कट कर लेंगे, पहले से हम ड्रॉ कर लेंगे। जो भी हमने पेपर कटिंग किया इसे इस तरह से रख के इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले, या फिर आप पिनअप भी करके इसे कट कर सकते हो। हम इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा स्ट्रेच आने चाहिए इस तरह का पार्ट्स। इस तरह से हम इन्हें कट कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिए। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग लिए ये जो मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है, ये बन साइड है और ये डबल फोल्ड है, इसे मैं फोर फोल्ड करूँगी इस तरह से। यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे, जितना हमारे चेस्ट का 1/4 है 9 इंच, उसमें हम आधा इंच मिलाएंगे। यहाँ से हम स्लीव की लेंथ लेंगे, स्लीव की लेंथ है 5.5 इंच, तो ये अस्तर वाला हो तो आप आधा इंच मिलाएंगे, बगैर अस्तर का हो तो आप 1.5 इंच मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे आधा इंच मिलाऊंगी। अब हम यहाँ से जो ओपन साइड है यहाँ से 3 इंच लेंगे, उसके सामने 1 इंच, ये हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसे आर्मोल का शेप देंगे। यहाँ से हम जो हमारी स्लीव की मोहरी है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 5.5 इंच है तो उसमें हम एक इंच लेंगे, 6.5 इंच में निशान लगाएंगे और इसी सिर्फ तिरछी लाइन देके कट कर लेंगे। अब हम ये दो पल्ला उठा के फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। इस तरह से स्लीव कटिंग तैयार है। इस तरह से ये बैक पार्ट है और ये स्लीव है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हमने पुराना ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज पीस की कटिंग की है।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।